YouTube पर ज्यादा व्यूज पाने के लिए अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना नहीं आता है, आज मैं आपको ऐसा एक तरीका बताने वाला हूं, ऐसा एक ट्रिक बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप एक ही क्लिक में अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हो। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक दोस्तों। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है thumbnail.ai और पहला नंबर पर जो लिंक आएगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। दोस्तों ये एक AI वेबसाइट है जो कि थंबनेल बनाने के लिए ही बनाया गया है। आपको सबसे पहले यहाँ पर जो 3 लाइन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। आप साइनअप भी कर सकते हो, लॉगिन और साइनअप दो ऑप्शन आएंगे आपके सामने। जैसे कि मैं यहाँ पर साइनअप कर चुका हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नाम भी शो कर रहा है। सिंपल सी यहाँ पर आपको क्लिक करके साइनअप कर लेना है। थोड़ा नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जेनरेट ए थंबनेल, यहाँ पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको सिंपल सी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है एंटर योर टाइटल, यहाँ पर आपको जो भी टाइटल है आपका YouTube वीडियो का जो भी टाइटल है यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो का जो टाइटल है वन क्लिक से अट्रैक्टिव थंबनेल जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, जो कि यहाँ पर क्या करना है आपको वीडियो का टाइटल को लिख देना है। नीचे जाने के बाद आपको ऑप्शनल दो ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर सब टाइटल और आपको यहाँ पर जो कीवर्ड लिखने के लिए बोल रहा है। आप यहाँ पर सब टाइटल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी दे सकते हैं। सिंपल से आपको थोड़ा सा नीचे आपको मिलेगा जो चूज फाइल, अगर आप कुछ अपने तरफ से कुछ फोटो ऐड करना चाहते हैं थंबनेल पर तो यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करके खुद से फोटो अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, सिर्फ टाइटल लिखने के बाद आपको क्या करना है जनरेट थंबनेल आइडिया पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक ही क्लिक से, सिर्फ एक ही क्लिक से थंबनेल बनके तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। लगता है कि यहाँ पर कुछ चेंज करने से थंबनेल और भी बेटर हो जाएगा। तो सिंपल से क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जाना है। थोड़ा नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप चाहे तो टेक्स्ट में कुछ अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉन्ट चूज का ऑप्शन आपको दिया जाता है, टेक्स्ट ऐड करने का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है। सिंपल से अगर आपको यहाँ पर लेटर का जो कलर है अगर आपको उसको चेंज करना है, सिंपल से यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे तो यहाँ पर अगर आपको फॉन्ट में कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि और भी कुछ फॉन्ट ऐड करने हैं, सिंपल से आपको क्या करना है चूज फॉन्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ फॉन्ट दिया जाता है जो कि आप फॉन्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका लेटर को आप बोल्ड करना चाहते हैं, यहाँ पर जो बी लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करके आप लेटर को बोल्ड कर सकते हो। और भी कुछ यहाँ पर है जैसे कि बैकग्राउंड का कलर कैसे होना चाहिए, तो यहाँ पर आप चूज करके बैकग्राउंड का कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर फोटो पर क्लिक करके खुद से फोटो अपलोड करके आप यहाँ पर बैकग्राउंड पर फोटो भी लगा सकते हो। आपके पास कोई भी फोटो नहीं है पहले से, सिंपल से आप यहाँ पर फोटो भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने यूट्यूब लिख दिया और देख सकते हैं यूट्यूब का बहुत सारे यहाँ पर फोटो आ गया है। यहाँ पर जितने भी फोटो दिया गया है आप एक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोटो आ जाएगा, ठीक है। थीम्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर थीम्स पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ थीम्स दिया जाते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर ये वाला थीम्स अभी यूज करूँगा। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको अगर कुछ सेव या आइकन ऐड्स करने हैं तो यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब का आइकन है और यहाँ पर तीर का निशान है, उनमें से कोई भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। कुछ PNG इमेज दिया गया है जो कि आप अपने थंबनेल पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये फ़ोटो को चूज़ किया तो यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं ये वाला फ़ोटो जो है। तो सिंपल से क्या करना है, इस फोटो को ला के थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है यहाँ पर कुछ इस तरह से। अगर आप यहां पर YouTube का लोगो लगाना चाहते हैं तो यहां पर लगा भी सकते हैं। इस तरह से फाइनली हमारा थंबनेल जो है बनके तैयार हो गया है। उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है, डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। सिंपल सी एक ही क्लिक में आपका जो थंबनेल है डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।